हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है 7:30 बज रहा है और मैं जा रही हूँ मेथी के पराठे बनाने। तो मेथी का जो है पूरा मटेरियल्स मैंने मिला दिया है, आटा लगा हुआ है, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, तो आटा लगा के मैं रखी हुई हूँ और अभी बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए। और जा रही हूँ मैं, गाजर शलगम ये सब का भुजिया काटूंगी और बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे। ये है तो बंद गोभी भी है आज, तो बंद गोभी नहीं बनाऊंगी, बंद गोभी जो है रात में बनाऊंगी मैं, तो ट्राईपोर्ट में मैं लगा देती हूँ अभी। फिर आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देखिएगा। तो कैसे हैं आप लोग फैमिली, अच्छे होंगे? तो चलिए आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आज जो है हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। मतलब जन्मदिन क्या बोलेंगे हम लोग, आज के दिन 12 फरवरी को हम लोग लेकर आए थे अपना लल्ला को, तो उस हिसाब से उनका आज का दिन बर्थडे है। तो हम लोग ऐसे, ठाकुर जी है तो देखिए बाहर का भेज भी केक लाइएगा तो अच्छा नहीं लगता है, क्या क्या चीज वो लोग दे के बनाते हैं। तो इसीलिए केक तो मैं नहीं बनाऊंगी अपने लल्ला के बर्थडे पर, और ना ही केक कटवाऊंगी मैं। सिर्फ अपने लल्ला के बर्थडे पर खीर और पूड़ी बना के उनको चढ़ा दूंगी। तो जन्मदिन का तो खीर पूड़ी जो है मैं रात में बनाऊंगी, और अभी जो है मेरे लल्ला खाएंगे मेथी के पराठे और दही, क्योंकि माँ जो है माँ कहीं घूमने गई है तो लल्ला के लिए जो है ना दही खरीद करके देकर गई है। तो आज उनका बर्थडे पर उनका दादी का दिया हुआ दही और पराठे खाएंगे लल्ला। तो इसलिए कोई खास उतना हम लोग उतना ये नहीं, मतलब हम उतना ये नहीं किए हैं, बस घर में खीर बनाऊंगी पूरी बनाऊंगी, अपने लल्ला को नए कपड़े पहनाऊंगी और ये कर दूंगी। तो अगर हो सके तो मैं थोड़ा सा क्लिप करूंगी अपने लल्ला को जब मैं नया कपड़ा पहनाऊंगी। उनके लिए मैंने ब्लू कलर का ड्रेस खरीद करके लाया हुआ है। तो अभी जो है फिलहाल अभी तो भाग दौड़ है स्कूल फीस स्कूल का, तो सब निपटा लू। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे। Thank you.
तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि मैं मेथी के पराठे बना ली थी अपने बेटी के लिए, मैंने 2 बनाया जल्दी जल्दी स्कूल में देने के लिए। तो वो बोली कि मम्मा हम खाएंगे नहीं, आप हमको टिफ़िन ही दे दीजिए। तो मैंने उसे टिफ़िन दे दिया। थोड़ा होता ना, बच्चों को सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता, तो अभी टाइम हो रहा था तो मैंने थोड़ा जो है फास्ट फॉरवर्ड लगा, तो मैंने लगा ही दिया है क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो दिखाना भी ज़रूरी है, आप लोगों तक पहुँचाना भी ज़रूरी है, तो सब वीडियो को मैं एडिट में काट दूंगी तो बचेगा ही क्या। इसीलिए तो फैमिली जो हमारे नए फैमिली देख रहे हैं वो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज जो हमारे फैमिली बन रहे हैं वो फुल वॉच देखकर हमारे चैनल को देखें और आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है अब उसको रेडी कर रहे हैं जाने के लिए, मैं भी जाऊंगी। तो ये देखिए रेडी वगैरह करके जो मैं फिर साड़ी पहन ली थी और फिर मैं चली गई अपने बेटी को लेकर इनके साथ में, क्योंकि लेट हो रहा था ना, जब जल्दी जल्दी मैं भी गई साथ में इनका, मैंने साड़ी पहन लिया था। फिर मैं आई उधर से, उधर से आने के बाद जो है कढ़ाई में जो मैंने भुजिया छौंका था वो भुजिया जो है मैंने बंद कर दिया था, तो फिर आ करके मैं जलाई हूँ और भुजिया बनाया। तो इधर देखें हमारे लड्डू गोपाल है, ये हमारे बर्थडे बॉय है आज के। तो हमारे बर्थडे बॉय को जो है आप लोग प्लीज़ हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए हमारे लड्डू गोपाल को। तो हमारे लड्डू गोपाल को हम लोग जो है लल्ला बोलते हैं, समझ लीजिए उनका नाम हम लोग लल्ला ही रखे हैं, और श्याम सुंदर भी आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे राधा रानी के प्यारे हैं ना, श्री राधे कृष्ण हैं। तो लड्डू गोपाल को प्लीज़ आप लोग विश करिए बर्थडे, और उनका बर्थडे को आप लोग ये करिए कि हमारे लड्डू गोपाल हमेशा जुग जुग जिए, हमेशा हम लोग के साथ रहे। और ये देखिए ये रात की तैयारी हो रही है, तो ये जो है बंद गोभी था उसे मैंने काट लिया है। और इधर देखिए दोनों भाई बहन पढ़ने बैठा हुआ है, और वो लोग पढ़ाई कम करते हैं खेला ज़्यादा करते हैं, आप देख ही सकते हैं। तो मैं फिर ऊपर आ गई थी और फ्रेम ले रही थी, तो देखिए इधर खीर चढ़ाया है मैंने, चावल को धो दिया है, और इधर जो है बंधा गोभी को जो है मैं बॉईल करने चढ़ा दूँगी क्योंकि निरामिष बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं बॉईल करके बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है बंधा गोभी को ही कर दिया, खीर में जो आगे मैं दूध चढ़ाई हूँ क्योंकि दूध गर्म करके फिर मैं इसमें खीर में डालूँगी, तो उसमें जो है मैंने इलायची डाल दिया। और इधर है बंद गोभी, तो इसे भी मैं बॉईल करने के लिए चढ़ाऊंगी, तो आगे मैं उसे धुल लूँगी। तो देखिए मैंने ट्राईपोर्ट में वीडियो तो ठीक से लगाया था, फिर क्यों ऐसा हो गया मुझे नहीं पता दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, उल्टा हो जाता है तो समझ में नहीं आता है। तो देखिए ये शाम का टाइम है, तो मैं दुकान गई थी ना, तो फिर मैं सूट पहन करके गई थी, साड़ी पहन करके जो है चलना नहीं हो पाता है दोस्तों, इसीलिए फिर मैं सूट पहन ली थी। तो इधर देखिए मैं जो है बंधा गोभी को जो है धुल दी हूँ, धुल करके अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ये जो है ना गुड़ है, तो गुड़ जो है उसे मैं गुड़ को मैं जो है खीर में डालूंगी, तो आज जो है खीर का ही गुड़ बनाऊंगी क्योंकि चीनी जो है सफ़ा नहीं है, सफ़ा मतलब क्या है ना यूज़ किया हुआ है, इसीलिए मैं वो नहीं डालूंगी, मैंने गुड़ ही रखा था, गुड़ डालूंगी मैं। तो इधर आप देख सकते हैं खीर का जो चावल रखा था गया, तो इसमें जो है बंद गोभी मैं डाल दे रही हूँ। देखिए बंद गोभी कितना बारीकी से मैंने काटा है, बहुत समय लगा था, बंद गोभी जो है ना मैं ही काटना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो इधर देखिए वो सब चढ़ाने के बाद जो है मैं इधर अभी गुड़ काट रही हूँ, तो एक ही गुड़ मैंने दिया था, एक गुड़ में ही अच्छा मीठा हो गया था दोस्तों, क्योंकि दोनों गुड़ मैं तो सोची थी कि 2 गुड़ लगेगा लेकिन एक ही गुड़ में हो गया, क्योंकि खीर ज़्यादा था नहीं, कम से कम 150 ग्राम गोविंद भोग चावल का खीर होगा। तो ये देखिए मैंने गुड़ भी डाल दिया है और बहुत अच्छा लग रहा था गुड़ का खीर, लेकिन दोस्तों तो गुड़ का खीर जो होता है ना फैमिली, आप ज़्यादा देर तक पकाएंगे ना तो गुड़ के कारण दूध फट जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं पकाया जाता, लास्ट में एकदम पूरा खीर बन गया तो मैं लास्ट में उसमें ये डाली थी। तो आप लोग देखिए कंटिन्यू वीडियो।
तो इधर देखिए दोस्तों, इधर जो है मसाले मैंने डाल दिए हैं। आलू मैंने ही छीली थी, तो जल्दी जल्दी आलू छीली इसलिए मैंने म्यूजिक लगा दिया था दोस्तों। और आलू अभी तो मैं नहीं छील रही हूँ, मैं म्यूजिक लगा दी क्योंकि वो ज़्यादा देर वॉइस करने से गला सूखने लगता है फैमिली। तो इधर देखिए बंद गोभी को जो मैंने बॉईल किया था ना, उसे अच्छे से जो है पानी को निचोड़ दिया था, निचोड़ के फिर मैंने इसमें डाल दिया है। और ये पूरा सब्जी जो है निरामिस है, मतलब बिना लहसुन प्याज के है। तो इन सबको बना, इधर देखिए खीर हमारा कितना अच्छा हो गया है ना। तो अब मैं जो है खीर को बंद कर दूँगी, और बहुत अच्छा लग रहा था खीर खाने में, गुड़ दिया था ना इसीलिए। तो अब जो है बाकी के जो है किचन के जो जितने चीज़ बिखरे हैं सबको मैंने साफ़ कर लिया। और इधर मैं लगा रही हूँ मैदा, क्योंकि मैदा और थोड़ा आटा मिक्स करके जो है मैं पूड़ी बनाऊँगी। मैं ना बहुत कम ही प्योर मैदा का पूड़ी बनाती हूँ, उसमें आटा मैं मिक्स कर ही देती हूँ, क्योंकि आटा मिक्स करने के बाद जो है ना पूड़ी अच्छा लगता है खाने से। और आप अगर प्योर मैदा का पूड़ी बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ़ आपको गर्म ही अच्छा लगेगा, ठंडा होने से बहुत चिमड़ाता है दोस्तों। इसीलिए मैं उसमें जो है आटा मिला देती हूँ, ताकि वो ठंडा होने से भी अच्छे लगे। तो मैंने कम से कम 1 टेबल स्पून के करीब तेल दिया है, और तेल देकर नमक देकर मैं मिक्स कर दूँगी। तो देखिए आटा जो है मैंने मिक्स भी कर दिया पूरे लोई इस तरह से मैं बना करके, और हल्का तेल देके लपेट के मैं रख दूँगी, क्योंकि मैं जो है पूरी तेल में ही बेलती हूँ। बर्तन में बेलने से जो है ना पूरा तेल ख़राब हो जाता, मतलब काला काला सा हो जाता है इसीलिए। और ये देखिए मैं पूड़ी भी छानना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाना है बर्थडे बॉय को। तो बर्थडे बॉय जो है सुबह में मेथी के पराठे और दही खाए थे नाश्ता, मतलब खाना में, और सुबह का नाश्ता में जो है लड्डू गोपाल हमारे लड्डू खाए थे, और रात में जो है उनके लिए पूड़ी खीर ये सब मैं बनाई हूँ। तो उनको भोग लगा दूँगी मैं, तो क्योंकि देखिए जल्दी से अगर आप ठाकुर को भोग लगाएंगे तभी फिर बच्चों को दे सकते हैं खाने पीने के लिए। तो इस बच्चों को, बच्चे मांगने लगेंगे खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आगे मैं लल्ला को ही भोग लगा दूँ, आगे मेरे लल्ला खा ले, क्योंकि लल्ला ही तो मेन बर्थडे बॉय है ना। तो ये देखिए पूड़ी सब्जी खीर सब मैंने ही कर दिया। इधर देखिए मैं अपने लल्ला को जो है भोग लगा रही हूँ दोस्तों। तो हमारा जो है सभी खाना बन चुका था, और मैं ठाकुर जी को 8 बजे के लगभग मैं भोग लगा दी हूँ, और उनको खिला करके थोड़ा देर बैठा लूँगी, फिर उसके बाद फिर उनको गोदी में लूँगी जैसे अभी लिए हैं। तो ये देखिए ये है हमारे लल्ला का आज न्यू ड्रेस, ये मैं ख़रीद कर लाई थी अपने लल्ला के लिए। तो कैसा लगा हमारे बर्थडे बॉय का बर्थडे? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। और जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों, और हमारे लड्डू गोपाल को बहुत विश करिएगा, क्योंकि यही है आज के बर्थडे।